Hello everyone and welcome to Ashish Malik IAS Academy YouTube channel guys. I hope you are having a good time. So दोस्तों और भी बहुत सारे नए नए courses और नए नए initiatives मैं आपके साथ start करूंगा but फिलहाल इस video में बात करेंगे अपने mission UPSC prelims 2021 की जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करने की और आपके लिए MCQs हर रोज मैं लेकर के आने की कोशिश करता हूँ और जो भी MCQs मैं discuss करूंगा वो मेरी इस book से होंगे 1000 most probable questions की ये book है जो Amazon Flipkart पे अवेलेबल है दोस्तों इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे माइंड मैप्स भी आपको मिलेंगे तो आज है 29 मई बात करेंगे डे 15 पार्ट 1 की आज भी दो वीडियोस में अपलोड करूंगा 10 बजे और शाम को 5 बजे तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे अगले 5 MCQs की जिसे इस बुक से पिक किया गया है और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर डी यानी कि फिर से इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस ग्लोबल इंडेक्सेस और गवर्नमेंट स्कीम ज्यादातर जो आज के क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट स्कीम पे आधारित होंगे अगर आप चाहते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं देखिए हर सब्जेक्ट के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा माइंड मैप्स भी है क्विक रिविजन के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप जीतना अनअकैडमी प्लस की तो कैसे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और किस तरह से 4 करोड़ रुपए का जो पूल है उसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे डिस्काउंट पाया जाए अनअकैडमी के ऊपर ये मैं सारी बातें आपको वीडियो के अंत में करूंगा चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 इस वीडियो के लिए तो सबसे पहला आप क्वेश्चन कहता है आपको स्टेटमेंट दी गई है 3 यू हैव टू कंसिडर रिगार्डिंग द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT के नाम से भी ज्यादा फेमस है जितने भी ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है पहली स्टेटमेंट कहती है जितने भी DRT है इनको सेटअप किया गया था आफ्टर पासिंग द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 जिसको हम RDBBFI एक्ट के नाम से जानते हैं 1993 में उसके बाद यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था सेकेंड स्टेटमेंट कहती है जो DRT होते हैं दे आर फुली एम्पावर्ड टू पास द कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर एंड दे कैन ट्रैवल बियॉन्ड द सिविल प्रोसीजर कोड टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस यानी कि अगर जरूरत पड़े तो ये सिविल प्रोसीजर कोड से भी आगे जा सकते हैं अब कंप्लीट जस्टिस करने के लिए और इनको पूरी पावर होती है कि ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करते हैं और इनके ऑर्डर्स को मानना पड़ता है थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है दे कैन ऑल्सो हियर द क्लेम्स ऑफ डैमेजेस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये वाले जो क्राइम्स होते हैं ये वाले जो केसेस हैं इनके लिए भी यहाँ पे अपील की जा सकती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ऑन द पार्ट ऑफ द लेंडर तो आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है वीडियो को कीजिए पॉज और नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ABCD उसको चूज कीजिएगा पहले क्वेश्चन नंबर डालिए 76 और फिर अपना आंसर ABCD है बताइएगा देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आंसर तो आपका होगा ए थर्ड इसीलिए गलत है दोस्तों कि DRT के अंदर जो जितने भी ये बात सही है कि आपके रिकवरी ऑफ डेट के लिए ये एक्ट बनाई गई थी जो लोग उधार लेते हैं डेट जिन पे कर्जा होता है तो कर्जे को वसूलने के लिए उसको रिकवर करने के लिए DRT बनाए गए हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ये कोर्ट की तरह काम करते हैं जो कोर्ट रूम्स होते हैं तो ये न्यायपालिका की तरह काम करते हैं आपकी लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो तीसरा पार्ट है ये गलत है क्यों क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं सुनी जाती इसके लिए हमारे पास अलग सेटअप होते हैं तो DRT के पास ऐसी कोई पावर नहीं है दोस्तों जिसमें वो डैमेजेस या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात सुने ये सब उसके अंदर नहीं आता और इसके अलावा DRT जो है वो इट कैनॉट इवन एक्सप्रेस ओपिनियन बियॉन्ड इट्स डोमेन ठीक है जो उसका डोमेन है जो उसका डोमेन है अपने डोमेन से बाहर जा करके वो सजेशन भी नहीं दे सकता DRT अपॉइंट कर सकता है रिसीवर कमिश्नर को पास कर सकता है एक्स पार्टे ऑर्डर्स को इंटरिम ऑर्डर्स को या फिर इंटरिम ऑर्डर जो है दे आर अपार्ट फ्रॉम द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन ये सारी चीजें की जा सकती है मगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस और कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच के पावर DRT को नहीं दी गई है तो आपके जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ए इन दिस क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका दिस क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं NERLP
तो अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. नंबर वन, इट इज अ वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है वो डोनर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर शुरू की गई है. और वर्ल्ड बैंक ने, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, कि किसने फंडिंग की है, किसने मदद की है, ये क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है. नंबर टू, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. इट्स एम इज टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड स्पेशली दैट ऑफ वुमेन. खास तौर पे औरतों के रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो मोस्ट डिसएडवांटेज है नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है. आपके हिसाब से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3, ऑल ऑफ द अबव. मुझे जो भी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर बताइए, ए बी सी या डी. वीडियो को कीजिए पॉज और फिर मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा. तो आप अगर आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो राइट आंसर है ना, इट हैज टू बी सी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सही है. ये एम भी करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट रूरल डेवलपमेंट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट का, जहां पे औरतें अनएम्प्लॉयड यूथ और डिसएडवांटेज को उनके जो उनकी आजीविका है, जो उनका लाइवलीहुड है, उसको इम्प्रूव करने का टारगेट है. और ये भी सही है कि वर्ल्ड बैंक ने मदद की है और मिनिस्ट्री भी करेक्ट है. बट द प्रॉब्लम इज ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं है. फिलहाल 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और उनके भी 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके लिए स्कीम बनाई गई है. वो कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा. तो इसके अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट जो है मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम. फिलहाल सिर्फ ये 4 आपके स्टेट हैं जिनके लिए ये स्कीम चलाई गई. और ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2012 में शुरू किया था प्रोजेक्ट, बट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. बट फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 स्टेट में ही चलाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन आपका जल ही जीवन स्कीम के ऊपर है. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस वुड बी कंप्लीटली प्रोक्योर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. इस जल ही जीवन है मिशन के अंदर जितने भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स होंगे सभी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, ये ऐसा प्रोविजन है. और इस स्कीम के हिसाब से 2,000 रुपए पर एकड़ का अमाउंट दिया जाएगा बेनिफिशरीज को, डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा एज वन टाइम पेमेंट. तो आपको बताना है कि इस दोनों स्टेटमेंट में से आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, दैट यू हैव टू चूज. तो यहां मैं आपको बता दूं, वही आपको सेम वीडियो को करना है पॉज और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर दोस्तों. और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो जितने बाकी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरी इस बुक के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और एक फ्री सैंपल भी मैंने अपलोड कर रखा है, फ्री सैंपल को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चंस हैं. और सिर्फ 249 रुपीज में अवेलेबल है Amazon और Flipkart के ऊपर. तो इस बुक को आप जरूर परचेज कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी प्रिपरेशन में दोस्तों. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए वन ओनली, सेकंड हमारी गलत है. देखिए ये बात सही है कि 2,000 रुपए मिलता है पर एकड़ जल ही जीवन में, मगर ये वन टाइम पेमेंट नहीं होती. पहले 200 रुपए मिलते हैं रजिस्टर करने पे फार्मर्स को स्कीम में, और 1,800 रुपए मिलते हैं जब वो एक्चुअल में सोइंग कर देते हैं, अपनी फसल उगा देते हैं, उसके बाद उनको 1,800 रुपए मिलते हैं. तो ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि वन टाइम पेमेंट नहीं है, दो हिस्सों में जो है आपको पेमेंट मिलती है, 200 प्लस 1,800 वेरिफिकेशन के बाद. बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो एम है जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अटल भूजल योजना. आपको बताना है कि अगले जो स्टेटमेंट है अटल भूजल योजना की, उसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया है. और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही रिसेंट स्कीम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी स्कीम है. जिनको भूजल नहीं पता, भूजल यहाँ पे मतलब होता है ग्राउंड वाटर. तो ये ग्राउंड वाटर को रिजुविनेट करने के लिए स्कीम चलाई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये पता है तो आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मिनिस्ट्री का ध्यान रखिएगा. सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो स्कीम है हमने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई कर दी है, इम्प्लीमेंट कर दी है. और फंडिंग पैटर्न ऐसा है कि 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 50% पैसा यूनेस्को देगा. आपको बताना है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा है. As always, 15 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए इसका आंसर.
देखिए यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अटल भूजल योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है 100% जो फंडिंग है, मतलब स्टेट्स को कुछ नहीं देना, जो भी पैसा देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी, तो स्टेट्स का इस स्कीम में कोई रोल नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हमने अभी 2 साल पहले बनाई है, ये वन ऑफ द लेटेस्ट मिनिस्ट्री है दोस्तों, ये आपको बताऊं। अच्छा, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो हमने बनाई है तो कौन कौन से मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ मिनिस्ट्रीज हैं उनको मर्ज करके हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आंसर आपका होगा सी। देखिए, पहली बात, ये सभी के सभी स्टेट्स में नहीं लगाई गई है दोस्तों। अटल भूजल योजना फिलहाल इंडिया के 7 स्टेट्स में से इंप्लीमेंट की गई है। और दूसरा जो फंडिंग है 50% सरकार, लेकिन बाकी का जो 50% है यूनेस्को नहीं देता। ये प्रोजेक्ट में मदद करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया की ये स्कीम चलाई गई है। इसमें कौन कौन से स्टेट है 7 स्टेट्स में, तो आपका कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। अभी फिलहाल इनको चूज किया गया है, आगे हो सकता है बाकी स्टेट्स को फ्यूचर में ऐड किया जाए, बट फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है, सिर्फ इतनों को ही अलाउ किया गया है। जो फंडिंग पैटर्न की हम बात करें तो 50-50 मैंने बताया, लेकिन दूसरा पार्टनर वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को का इससे कोई लेने देना नहीं है। आखिरी सवाल इस वीडियो का गाइस, क्वेश्चन नंबर 80, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बताना है। 126th अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया है, 126th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में, उसका संबंध इनमें से किससे है? 4 ऑप्शन आपके पास। क्या ये रिजर्वेशन को एक्सटेंड करता है एससी एसटी की, या फिर ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन प्रमोशंस, या फिर ऊपर वाले में लोकसभा और या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी। तीसरे में, क्या ये रिजर्वेशन देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टू द लिंगायत। और चौथा ऑप्शन कहता है, क्या ये बात करता है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आपके हिसाब से क्या है 126th अमेंडमेंट बिल, आपको मुझे बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है, कुछ लॉजिक इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है लॉजिकल है, या थोड़ा बहुत भी अगर आपके कॉन्सेप्चुअल है बेसिकली, उनको तो फिर भी आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। फैक्चुअल के साथ कभी रिस्क मत लेना, क्योंकि ये फैक्ट जो होते हैं वो होते हैं, अगर नहीं पता तो उसमें तुक्का लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आंसर आपका होगा ए, 126 जो बिल है बात करता है एससी एसटी के रिजर्वेशन लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज की। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और अगर आप लोग अपने पूरे साल के करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं और साथ में एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हो और साथ में मेंस के भी जो क्वेश्चन है, तो मेरी बुक है दिशा 365, 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में GS2 कंप्लीट टॉपिक आपको मिल जाएंगे और GS3 की कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे वॉल्यूम 2 के अंदर। ये पूरे साल के करंट अफेयर है और साथ में हर टॉपिक के साथ उसके MCQs, मेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीलियम्स के लिए तो खास तौर पे प्रीलियम स्निपेट्स आपको दिए गए हैं। एक बार इस बुक को भी आप जरूर देखिएगा, ये भी Amazon Flipkart पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, स्कैन भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और दोस्तों Unacademy का एक बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए चल रहा है। Unacademy के ऊपर अगर आप GS की सब्सक्रिप्शन के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करते हैं तो ऑप्शनल पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। और 10% डिस्काउंट पाने के लिए बस आपको एक रेफरल कोड यूज करना है और रेफरल कोड है आपका आशीष मलिक, यानी आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको 5 फायदे होंगे। पहली बात, आपको बुक्स मिलेंगी 10,000 रुपए तक की, जिनकी कीमत है ये स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। आपको मेगा सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मिलेगा, जब तक आपका अगला प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक आपकी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दी जाएगी। दोस्तों यूपीएससी के लिए आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं 0% इंटरेस्ट रेट पे, डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और आपका जीएस और जो है आपका ऑप्शनल का भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफर मिलेगा। ये सारे बेनिफिट सिर्फ एक रेफरल कोड यूज करके। और जितने बच्चे भी Unacademy की कॉम्बेट ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, Unacademy की कॉम्बेट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जी हाँ, हर संडे को सुबह 11 बजे Unacademy का कॉम्बेट होता है, अभी के अभी एनरोल कीजिए, मेरा रेफरल कोड है आशीष मलिक, इसे आप यूज कीजिएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों,
इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, और जो बच्चा रैंक लेकर के आएगा, जो अनअकैडमी कॉम्बैट को क्रैक करेगा, इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं। पहले 3 रैंक होल्डर्स को फ्री में 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 4th और 10th 4 से लेकर 10 तक की रैंक जिनकी आएंगी उनको 70% स्कॉलरशिप, बाकी बच्चों को 50 और 25 इस तरह से स्कॉलरशिप दी जाएंगी। टोटल 4 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप पूल है, आप जीत सकते हैं दोस्तों इन पर्टिकुलर बेनिफिट्स को। और हर संडे, हर वेडनेसडे याद रखिएगा गाइज, एवरी वेडनेसडे अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच शुरू करती है। तो अब जो नेक्स्ट आपका वेडनेसडे आएगा उसके ऊपर आपके न्यू बैचेस शुरू होंगे अनअकैडमी के ऊपर, और आप इन सभी बैचेस को जो है आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको ज्योग्राफी, एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े अनअकैडमी के ऊपर। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।